मैंने पिछले दिनों एक गीत लिखा भगवान राम पर, पहली बार मैंने सर के संचालन में बरेली में उसे पढ़ा था। बहुत अच्छा गीत। मैं आपसे 10 मिनट की गंभीरता चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा शहर है, मेरा आप पर एक थोड़ा अपनत्व का अधिकार भी है, सब मेरे अपने लोग बैठे हैं यहाँ पर, पंकज आठी भी यहाँ है, प्रबुद्ध भैया यहाँ पर है। मैं भगवान राम पर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा गीत। इसकी भूमिका इतनी है कि राजनीति ने आपको राम कैसे भी दिखाए हो, लेकिन हमारे भारतीय जनमानस में वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, राम उसके लिए एक ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व हैं। और हमारी समाज की आप स्थिति देखिए कि हम अभिवादन से लेकर अंतिम यात्रा तक राम का नाम लेते हैं। आप मिलते हैं तो भी राम राम करते हैं, और विदाई होती तो भी राम राम सत्य से होती। सुनिएगा तो, सारी विचारधाराओं सारे व्यापारों से दूर राम क्या है इस बात को कहने की कोशिश कीजिए। सुनिएगा, आप सबका समर्थन मिले। स्वागत है बेटा। सुनिए, सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बन सुनिएगा, जो राजा बनने की स्थिति में हो, उसके बाद वनवास को चुन ले, अपने पिताजी के रोकने के बाद भी राम वन क्यों गए होंगे, उनकी क्या जरूरत थी। सुनिएगा स्थिति देखिए, के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, के राज पाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, के ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बन सुनिएगा, हम कहते हैं कि भगवान राम जैसे हो जाओ, लेकिन भगवान राम जैसा इतिहास में कौन हुआ है, चार पंक्तियों में बताने की कोशिश कीजिए। स्वागत की है। सुनिएगा उनका व्यक्तित्व देखिए, के ढाल में ढले समय की, शत्रु में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे जिंदाबाद राम ऐसा पथ थे जिस पे क्या पंक्ति हो गई राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे कि दुख में भी अभाव का, हम अपने दुख को रोते हैं, सुनिएगा, कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अब बंद सुनिएगा, अंतिम तीन बंद इसके जो हैं, मैं हम लोगों ने पूरे इतिहास में राम भगवान पर एक आरोप लगा कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन वो मानव योनि में उन्होंने जन्म लिया और वो क्या करते रहे जीवन भर, सुनिएगा, वही इस बंद ने बताने की कोशिश की है। सुनिएगा, अच्छा गीत हुआ बेटा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, हारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे,
के सारे दुख कहानियां हैं। हाँ। दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह। मैंने ये थोड़ा सा जो ब्रेक लिया इसलिए लिया, सर ये दो बंद भी आप भी पहली बार सुनेंगे। ये चार ये आठ पंक्तियां जो इस गीत की बची हैं, मैंने अपने जीवन में अभी तक की लेखन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। दो बंद हैं इसके। इस बंद पहले बंद की भूमिका है कि 14 बरस तक अयोध्या वासियों ने राम का रास्ता देखा, लेकिन आपको पता है जब राम लौट के आए उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, फिर वो जल समाधि के लिए चले गए। सुनिएगा, इससे बड़ी विडंबना अगर मैंने उसको शब्द देने में समर्थ मतलब मैं सफल हो गया हूँ तो आपका समर्थन मिले। अच्छा, सुनिएगा क्या हुआ होगा, क्या हुआ सुनिएगा, मैं कहीं आपको भावुक कर दूं तो आपका समर्थन मिले। सुनिएगा कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। राम वापस आने का कह के गए थे। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, के हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। इस गीत की अंतिम चार पंक्तियां, अगर आप सबका भरपूर समर्थन ना मिले, ये दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे विश्वास है, अगर कोई नई बात कहने की कोशिश की हो, आप सबने राम से प्रश्न किए कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन आपको पता होगा सीता जी अग्नि परीक्षा से जलकर नहीं, वो सुरक्षित लौटी थी। होलिका जिसको न जलने का वरदान था वो भी जल गई थी, लेकिन सीता जी अग्नि परीक्षा में जली नहीं थी। क्या रहा आपके प्रश्नों का उत्तर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो क्या देखे गए सुनिएगा। ये चार पंक्तियां अंतिम इस गीत की है। सुनिएगा कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में जिंदाबाद। आग में बेटा कमाल कर दिया तू। क्या बात है, हो गया। दोबारा पढ़ दे बेटा इस बंद को, दोबारा चिल्लाओगे जोर से। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। अंतिम पंक्ति इस गीत की कि सीता जी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां। तालियां बजा दोगे तो एक गीत और सुना दूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। चलिए, बहुत बहुत प्रेम। ये इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पूरा परिवार यहाँ बैठा है, कम से कम आज उनको लग गया होगा कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।